नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट अनबॉक्सिंग टैग में। दोस्तों आज मैं लेके आया एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो। आज की हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो दोस्तों डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से आने वाला गोल्ड लाइन बीपी मॉनिटर मशीन, जिसका मॉडल नंबर है दोस्तों 103। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपने लिए जो है एक अच्छा सा बीपी मॉनिटर मशीन परचेज करने की, दोस्तों आप जो डॉक्टर ट्रस्ट का बीपी मॉनिटर मशीन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज किया है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज कर रखा है। वही अनुभव मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। इस मशीन की अच्छी बात यह है कि दोस्तों हमें इसमें हाइपरटेंशन इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य है तो इस मॉनिटर की डिस्प्ले जो हरे कलर में आपको दिखाई देगी। अगर दोस्तों सामान्य से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है दोस्तों इसकी डिस्प्ले जो है मॉनिटर की डिस्प्ले जो है पीले कलर में आपको दिखाई देगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है दोस्तों रेड कलर में यहाँ पर इंडिकेट करेगा डिस्प्ले कि जो है आपको जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। और इसी के साथ दोस्तों हमें इसमें टॉकिंग फीचर देखने को मिल जाता है और हिंदी और इंग्लिश का, वो आपको बोल के भी मशीन बताएगी कि आपका जो है ब्लड प्रेशर कितना है। इस मशीन में दोस्तों दो यूजरों की 120 मेमोरी हम सेव कर सकते हैं, जिससे कि ये फायदा हो जाता है कि दोस्तों कि कौन सी तारीख है उसका बीपी कितना था। इस मशीन में दोस्तों हमें ऑटो पावर कट देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों हमें 3 मिनट तक अगर हम इस मशीन का यूज नहीं करते दोस्तों अपने आप ही ये मशीन जो है बंद हो जाती है। इस मशीन का वेट है दोस्तों 590 ग्राम। मशीन की MRP है दोस्तों 2800 रुपये। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं दोस्तों आपको यह 1600 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मशीन को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। डॉक्टर ट्रस्ट जो कंपनी है दोस्तों USA की कंपनी है, ये मशीन जो है USA में मैन्युफैक्चर होती है। डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा हैं। दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम फटाफट कर लेते हैं इसे अनबॉक्स, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या हमें ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दोस्तों इसके साथ हमें क्या क्या एक्सेसरी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों हमें इस मशीन को रखने के लिए इसके साथ एक जो है कैरी बैग देखने को मिल जाता है। इस मशीन के साथ दोस्तों हमें एक अडेप्टर देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से दोस्तों अगर हमारी मशीन की जो है बैटरी ख़त्म हो जाती है दोस्तों हम अडेप्टर से भी इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें दोस्तों 6 वाट का जो है अडेप्टर देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ इन्होंने ग्रे कलर में आर्म कप दिया हुआ है। इस मशीन में दोस्तों हमें जो है 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों इस मशीन को आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद दोस्तों 15 दिन के अंदर अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन, आपको जो है 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ हमें एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। आप जो है मशीन का यूज़ करने से पहले दोस्तों आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। मशीन में दोस्तों हमें यहाँ पर जो है बबल रैपिंग देखने को मिल जाती है। ये है दोस्तों इस मशीन का आर्म कफ, जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि आर्म कफ जो है छोटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो आपको पाइप जो है दिखाई दे रहा होगा इसको जो है ट्यूब कहते हैं। और आर्म कफ में यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर ट्रस्ट की ब्रांडिंग है, और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों हमारा मेन यूनिट बीपी मॉनिटर मशीन। इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपको जो दो लैंग्वेज में दोस्तों टॉकिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे हमें जो है बैटरी कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, जिसमें दोस्तों 4 बैटरियाँ लगती हैं, जिसमें दोस्तों आपको जो बैटरी लगाकर भी इसको आप जो है यूज कर सकते हैं। तो इस मशीन के साथ हमें जो है यहाँ पे 4 बैटरी भी देखने को मिल जाती है। मशीन को इस्तेमाल करने से पहले जो इसमें पन्नी लगी है इसको हमें निकाल लेना है। मशीन दिखने में दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है एक पावर बटन देखने को मिल जाता है। वहीं साइड में दोस्तों यहाँ पे सेटिंग के लिए यहाँ पे 3 बटन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें दोस्तों हम यहाँ टाइम और डेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और दोस्तों अडेप्टर का यूज़ करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में आपको यहाँ पर DC यहाँ पर 6 वाट दिया गया है, उसमें आपको इस तरीके से इसको लगा लेना है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर आप जो है यहाँ पर ट्यूब नोजल यहाँ पर लगा लेंगे। इस नोजल को दोस्तों आपको अच्छे से लगा लेना है ताकि दोस्तों इसमें से हवा बाहर नहीं निकले। मशीन के सेल या बैटरी ख़त्म हो जाने पर दोस्तों आप अडेप्टर का यूज़ कर सकते हैं। इस अडेप्टर का यूज़ करने के लिए जिसमें दोस्तों हम मोबाइल चार्ज करते हैं उसी सॉकेट में आप इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करने के लिए बैटरी या सेल का यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों, इस कंपार्टमेंट को इस तरह से खोल के आप जो है इसमें जो है चार सेल लगा सकते हैं और इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम इसे बैटरी या सेल इसमें डालते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मशीन जो है ऑन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ट्यूब नोजल लगा लेना है। जैसे दोस्तों आप ट्यूब नोजल को लगाते हैं यहाँ पे आपको अच्छे से इसको प्रेस कर देना है ताकि इसका प्रेशर जो है बाहर ना निकले। इस मशीन की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इसमें हमें अडेप्टर देखने को मिल जाता है, यानी दोस्तों बैटरी ख़त्म होने के बाद
हम जो है एडेप्टर का यूज कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए। जैसे आप एडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो मशीन जो है ऑन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है ट्यूब नोजल लगा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूब नोजल को यहाँ पे इस तरीके से आपको लगा देना है टाइट करके। इसके बाद दोस्तों बीपी चेक करने के लिए आपको जो है बाएँ हाथ में आर्म कप को लगाना है। आर्म कप को लगाने के लिए दोस्तों आपको जहाँ पे एल्बो होता है उससे एक इंच ऊपर लगाना है, कुछ इस तरीके से आप लगा लेंगे। दोस्तों जिसका हम बीपी चेक करें उसका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाहर से आ रहा है और हम तुरंत जो है बीपी चेक कर लें। ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों हम जो है अच्छे से उसका जो है बीपी जो है मेज़र नहीं कर पाएंगे। उसको जो है 5 मिनट वेट करना है, उसी के बाद आप जो है बीपी चेक करें, तभी उसका जो है रिजल्ट सही आ पाएगा। जब आप आर्म कप लगाएं दोस्तों ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और न ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। इसमें दोस्तों एक उंगली जाने के बराबर आपको जगह छोड़ देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पावर बटन ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों आप पावर बटन ऑन करते हैं कुछ देर आपको वेट करना है। जैसे आप पावर बटन ऑन करते हैं तो मशीन जो है वाइब्रेट करती है और आर्म कप में जो है पूरे हवा भर जाती है प्रेशर के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा बीपी में आप दो रीडिंगें होती हैं, एक उच्चतम रीडिंग होती है एक निचली रीडिंग। उच्चतम रीडिंग को दोस्तों सिस्टोलिक कहा जाता है, जिसमें दोस्तों सामान्य जो है 100 से 120 तक सामान्य माना जाता है, ये सिस्टोलिक कहा जाता है। बीपी की निचली रीडिंग को दोस्तों डायस्टोलिक कहा जाता है, जिसका सामान्य दोस्तों 60 से 90 के बीच जो डायस्टोलिक हो जाता है तो वो सामान्य में आता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सिस्टोलिक 119 है और डायस्टोलिक यहाँ पे 78 है, यानी दोस्तों हमारा यहाँ पे ब्लड प्रेशर सामान्य है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन का डिस्प्ले भी ये बता रहा है कि तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य है यानी नॉर्मल है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो यहाँ पे स्क्रीन भी जो है हरे कलर में आ रखा है। यानी दोस्तों अगर आपका जो है सिस्टोलिक यहाँ पे जो है 100 हो जाता है और डायस्टोलिक यहाँ पे जो है 86 हो जाता है तो यहाँ पे हमारी जो पीले कलर में यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगा, यानी दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा जो है भैया बढ़ा हुआ है। अगर यहीं पर दोस्तों आपका जो है स्क्रीन में दोस्तों रेड कलर में आता है, दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो सिस्टोलिक है 157 दे रहा है और डायस्टोलिक यहाँ पे 113 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे स्क्रीन जो है लाल आ रखी है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अधिक है। दोस्तों इस मशीन का जो है डिस्प्ले भी इंडिकेट करता है कि आपका जो है ब्लड प्रेशर कम है या अधिक है। डॉक्टर ट्रस्ट की जो मशीन है दोस्तों इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है मैनुअली जो मर्क्यूरी वाली जो मशीन आती है बीपी मॉनिटर मशीन उससे इसमें कंपेयर किया दोस्तों, इसमें तो इसका उसमें अंतर है दोस्तों 3 पॉइंट का अंतर आता है। ये दोस्तों 3 पॉइंट ज़्यादा एडवांस आपको दिखाती है, जो कि दोस्तों इतना फ़र्क होता ही है। आप अगर डिजिटल मशीन लेंगे तो दोस्तों इसमें आपको मैनुअली और इसमें बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही आप बड़ी आसानी से अपना बीपी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।